गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। इन लास्ट क्लास वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन, और हेलोएल्केन की क्लासिफिकेशन में फर्स्ट बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया था, और फर्स्ट बेसिस था नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे अपन ने मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन किए थे। डाई हेलोएल्केन में थ्री कंडीशन थी, जेम डाई हेलोएल्केन, विश डाई हेलोएल्केन एंड अल्फा ओमेगा डाई हेलोएल्केन। फिर अपन ने कह रहा ट्राई हेलोएल्केन जिसमें हेलोफॉर्म कंडीशन की थी, और फिर अपन ने कह रहा टेट्रा हेलोएल्केन जिसके अंदर अपन ने एग्जाम्पल कह रहा CCl4 पायरेन। आज अपन हेलोएल्केन का क्लासिफिकेशन करते हैं सेकेंड बेस, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हैलोजन बॉन्डेड कार्बन। यानी ये क्लासिफिकेशन है किसके बेस पे, कि हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उस कार्बन के नेचर के बेस पे। हेलोजन जिस कार्बन से, देखिए हेलोएल्केन क्या होता है, RX। अब यहां पे सपोज ये जो हेलोजन है वो इस कार्बन के टच में है। अब यहां पे अपन को देखना है कि हेलोजन से अटैच कार्बन है उसका नेचर क्या है। ये जो कार्बन है वो 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। इस बेस पे हेलोएल्केन है वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो यहां पे फर्स्ट है प्राइमरी हेलोएल्केन, फर्स्ट हो जाएगा प्राइमरी हेलोएल्केन। अब देखिए प्राइमरी हेलोएल्केन में क्या होता है कि प्राइमरी हेलोएल्केन में हेलोजन बॉन्डेड कार्बन है वो होगा कैसा, 1 डिग्री। प्राइमरी हेलोएल्केन में हेलोजन बॉन्डेड कार्बन है वो कैसा होगा, 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री मीन, यानी ये जो हेलोजन बॉन्डेड कार्बन है यहां पे हेलोजन बॉन्डेड कार्बन 1 डिग्री होगा, और 1 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में होता है। तो यहां पे जो हेलोजन बॉन्डेड कार्बन है जो 1 डिग्री होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड विद अदर 1 कार्बन। तो देखिए CH3 CH2 Cl। अब ये जो हेलोएल्केन है ये एग्जांपल है प्राइमरी हेलोएल्केन का। किस टाइप से, यहाँ पे हेलोजन है क्लोरीन, और क्लोरीन से अटैच ये कार्बन है, और ये कार्बन डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है। तो हेलोजन से अटैच कार्बन है वो कैसा हुआ, 1 डिग्री हो गया। तो हेलोजन से अटैच कार्बन 1 डिग्री है, तो ये एग्जांपल है प्राइमरी हेलोएल्केन। अब ये देखिए
ये तो था एथिल क्लोराइड CH3CH2 एथिल CN क्लोराइड, एथिल क्लोराइड 1 डिग्री का एग्जांपल था। और ये है, ये कौन सी कंडीशन है, इतनी न्यू कंडीशन है, और ये है नियोपेंटिल ब्रोमाइड। क्या है ये? नियोपेंटिल ब्रोमाइड है। अब देखिए यहां पे अपन को देखना है कि जो नियोपेंटिल ब्रोमाइड है वो प्राइमरी हेलोएल्केन है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। तो यहाँ पे हेलोजन है ब्रोमीन, और ब्रोमीन इस कार्बन से अटैच है, और ये जो हेलोजन से अटैच कार्बन है वो डायरेक्टली कितने कार्बन के टच में, ये डायरेक्टली 1 कार्बन के टच में है। तो ये डायरेक्टली इस 1 कार्बन के टच में, अपन को डायरेक्टली देखना है। अब इस कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, इन तीनों कार्बन से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये डायरेक्टली ओनली इस कार्बन के टच में। तो यहाँ पे हेलोजन से अटैच कार्बन है वो डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है। तो यहाँ पे भी हेलोजन से अटैच कार्बन कैसा है, 1 डिग्री है। तो जो नियोपेंटिल ब्रोमाइड है ये भी एग्जाम्पल है प्राइमरी हेलोएल्केन। सेकेंड है सेकेंडरी हेलोएल्केन। अब सेकेंडरी हेलोएल्केन में क्या होगा, यहाँ पे हेलोजन अटैच्ड कार्बन है वो कैसा होगा, 2 डिग्री होगा। यानी 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होता है विद अदर 2 कार्बन। ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में होता है उसको कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पे हेलोजन है वो कैसे कार्बन से टच में रहेगा, 2 डिग्री कार्बन के टच में रहेगा। तो देखिए सेकेंडरी हेलोएल्केन के एग्जांपल, ये है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या है ये, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पे सीएल है हेलोजन, और ये सीएल हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में है, ये डायरेक्टली इस कार्बन के टच में भी है और इस कार्बन के टच में भी है। तो हेलोजन से अटैच कार्बन है ये कैसा है, 2 डिग्री है। तो ये एग्जाम्पल है सेकेंडरी हेलोएल्केन। इसी टाइप से ये है सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या नाम है इसका, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो देखिए यहां पे हेलोजन है ब्रोमीन ब्रिया, और ये इस कार्बन के टच में, तो हेलोजन से टच वाला कार्बन ये है, और ये डायरेक्टली 2 कार्बन के टच में। तो यहाँ पे हेलोजन से अटैच कार्बन है वो कैसा है, 2 डिग्री है, इसलिए ये भी एग्जांपल है सेकेंडरी हेलोएल्केन। तो यहाँ पे Br से अटैच कार्बन 2 डिग्री है, इसीलिए इसके कॉमन नेम में सबसे पहले क्या आता है, सेकेंडरी। 2 डिग्री कार्बन के लिए क्या आ गया, सेकेंडरी। 4 कार्बन है ब्यूटिल, और Br के लिए ब्रोमाइड। अब देखिए यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बन है, इसके नेम में सेकेंडरी नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे आइसो कंडीशन आ गई,
CH3CH3 आइसो होती है, इसलिए इसके नेम में यूज में लेते हैं आइसो। अब यहाँ पे आइसो तो है नहीं, CH3CH CH2 आ गए, तो यहाँ पे Br से अटैच कार्बन 2 डिग्री, इसलिए सेकेंडरी यूज में किया जाता है। तो ये हो गया सेकेंडरी हैलो एल्केन। थर्ड है टर्शरी हैलो एल्केन। टर्शरी हैलो एल्केन में क्या होगा, हैलोजन अटैच्ड कार्बन कैसा होगा, 3 डिग्री। और 3 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली अटैच होता है विद अदर 3 कार्बन, ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली अदर 3 कार्बन के टच में होता है वो होता है 3 डिग्री। तो देखिए टर्शरी हैलो एल्केन की एग्जांपल, ये है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, कॉमन नेम क्या है इसका, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो ये एग्जांपल है टर्शरी हैलो एल्केन का। इस टाइप से देखिए हैलोजन है ब्रोमीन और ये इस कार्बन के टच में है और ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में है। तो हैलोजन से अटैच कार्बन कैसा हुआ, 3 डिग्री। तो हैलोजन से अटैच कार्बन 3 डिग्री है, इसलिए टर्शरी 4 कार्बन है ब्यूटिल और Br के लिए ब्रोमाइड। तो ये है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। वैसे नोमेनक्लेचर है वो क्लियरली अपन क्लासिफिकेशन के बाद इसका नोमेनक्लेचर ही करेंगे, वहाँ पे सभी का नेम वगैरह है वो सब आ जाएगा। अब इसका अपन एक और एग्जांपल देखें 3 डिग्री एल्केन के लिए, ये भी 3 डिग्री हैलो एल्केन है, टर्शरी हैलो एल्केन का एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे हैलोजन है क्लोरीन और क्लोरीन से अटैच कार्बन ये है और ये कार्बन डायरेक्टली 3 कार्बन के टच में, तो यहाँ पे भी हैलोजन से अटैच कार्बन कैसा है, 3 डिग्री। तो ये भी है टर्शरी हैलो एल्केन। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हैलोजन बॉन्डेड कार्बन के नेचर के बेस पर कि हैलोजन से अटैच कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। क्लासिफिकेशन का थर्ड बेस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ हैलोजन बॉन्डेड कार्बन। तो यहां पे अपन क्लासिफिकेशन का जो थर्ड बेस है वो लेंगे कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है। देखिए हैलो एल्केन को अपन इस टाइप से शो करते हैं RX, यानी यहाँ पे R मीन्स क्या होती है, कार्बन चेन
यानी हेलो एल्केन में हेलोजन है वो अटैच होता है किससे, कार्बन से। अब ये जो हेलोजन से अटैच कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, इस बेस पे अपन उनके टाइप्स करेंगे। अब वी नो दैट कार्बन हैव ओनली थ्री टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन में ओनली थ्री टाइप्स का क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 and sp3। कार्बन ओनली थ्री टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp sp2 और sp3। अब देखिए इसका रीजन क्या है। अब कार्बन है, अपन को हाइब्रिडाइजेशन देखना है किसमें, कार्बन में। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में देख रहे हो कार्बन में ओनली टू टाइप्स के ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट होते हैं, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। कार्बन में दो ही टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल एंड पी ऑर्बिटल। और एस और पी ऑर्बिटल वाले ऐसे हाइब्रिडाइजेशन जिसमें ओनली एस और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो थ्री होते हैं, sp sp2 और sp3। इसलिए कार्बन है वो ओनली ये थ्री टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन है वो शो करता है। अब देखिए ये किस टाइप से शो करता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है कार्बन की नॉर्मल स्टेज का। अब देखिए एक्साइटेड स्टेज में क्या होता है, अपन आउटर सेल को ले लेते हैं क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन में ओनली आउटर सेल पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए आउटर सेल है वो सेकंड है, इसमें 2s, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p है उसके 3 पार्ट, 2px 2py एंड 2pz। अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इनका एनर्जी लेवल सेम है तो अकॉर्डिंग टू हुंड सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन फिल अप करते हैं, तो ये इनकी एनर्जी सेम है तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन 1 इसमें और 1 इसमें। अब एक्साइटेड स्टेज में क्या होगा, जो कार्बन है इसके 2s का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वैकेंट 2pz में, तो यहाँ पे 2s में रह जाएगा 1 और 2px 2py 2pz उनमें भी हो जाएगा 1 1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कार्बन की एक्साइटेड स्टेज के लिए। तो कार्बन की एक्साइटेड स्टेज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s 2 2s में 1 एंड 2p में 3। तो ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अब देखिए अब कार्बन की आउटर सेल में ओनली ऑर्बिटल है वो टू टाइप्स के हैं, एस एंड पी। अब जब एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा तब तो पार्टिसिपेट करेगा 2s एंड 2px, और जब एस पी देखो 1s हो गया और 1p हो गया तो एस पी हो जाएगा, और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 1s एंड 2p ये पार्टिसिपेट कर लेंगे, और जब sp3 होगा तो 1 2s और ये 3p ये पार्टिसिपेट कर लेंगे और हो जाएगा sp3। तो इस टाइप से कार्बन है ओनली थ्री टाइप्स का हाइब्रिडाइजेशन है वो शो करता है, sp sp2 एंड sp3। अब देखिए अब कौन से कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा होगा, इसका जो डायरेक्ट ट्रिक है पहचानने का वो इस टाइप से है। इफ वैलेंसी ऑफ कार्बन कंप्लीटेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड,
यानी कार्बन की जो फोर वैलेंसी है वो ओनली सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट होती है। अब ये देखो कार्बन की फोर वैलेंसी है वो यहाँ पे ओनली सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हो रही है, यानी कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में है। यदि कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में होता है तो वहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और यदि कार्बन के टच में आ जाए क्या डबल बॉन्ड, कार्बन के टच में क्या आ जाए डबल बॉन्ड आ जाए तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो कार्बन के टच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो sp2। और यदि कार्बन के टच में हो ट्रिपल बॉन्ड तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। तो इस टाइप से ये अपन को कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसको आइडेंटिफाई करना है। कार्बन ओनली सिंगल बॉन्ड के टच में होगा तो sp3, डबल बॉन्ड के टच में होगा तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड के टच में होगा तो sp। तो देखिए हैलोजन से अटैच कार्बन है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हैलोजन कंपाउंड है उनके फाइव टाइप्स है। इधर टाइप्स फाइव, फर्स्ट इज हेलो हैलोजन, जिनको अपन एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। सेकंड इज एलिलिक हैलाइड, थर्ड इज बेंजीलिक हैलाइड। अब देखिए इन तीनों में तो क्या होता है, हैलोजन से अटैच कार्बन है उसका हाइड्रेशन होता है sp3। फोर्थ है विनाइल हैलाइड एंड फिफ्थ है हेलो बेंजीन। विनाइल हैलाइड और हेलो बेंजीन में क्या होता है, इनमें हैलोजन से अटैच कार्बन का हाइड्रेशन होता है sp2। तो यहाँ पे हैलोजन बॉन्डेड कार्बन के हाइड्रेशन के बेस पे हैलोजन कंपाउंड्स को फाइव टाइप्स में डिवाइड किया गया है, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। इन तीनों में हैलोजन से अटैच कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा और विनाइल हैलाइड हेलो बेंजीन इनमें हैलोजन से अटैच कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा। इनको अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।